सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 अक्टूबर के रियलमी के सॉफ्टवेयर अपडेट एंड सिस्टम एप्लीकेशन के अपडेट के बारे में। और आपको मैनुअली लिंक भी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा सभी न्यू डिवाइसों के लिए जो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट रोल आउट हुए हैं और सिस्टम एप्लीकेशन का जो अपडेट देखने को इस मंथ में मिला है। तो आपके भी पास रियलमी का कोई भी डिवाइस है तो सभी डिवाइसों के लिए इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मैं लेके आ चुका हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो किन तक बने रही और चैनल पर नए हैं तो ये आप ही का चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि रियलमी का जो अक्टूबर का अपडेट है कौन कौन से डिवाइसों के लिए अभी तक रोल आउट हुआ है और कौन सा वर्जन देखने को मिला है और कौन कौन से न्यू एप्लीकेशन का अपडेट देखने को आपको सिस्टम एप्लीकेशन के अंदर मिलता है। उससे पहले आप जैसा कि जान रहे होंगे, जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है सॉफ्टवेयर अपडेट का, आप जैसा कि जान रहे होंगे रियलमी सॉफ्टवेयर अपडेट इंडिया सर्च करेंगे आप भी गूगल पे तो आपको रियलमी इंडिया के सॉफ्टवेयर अपडेट की ऑफिशियली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। यहीं पे सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे सभी डिवाइसों का मैनुअली लिंक यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ से जाके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अपने डिवाइस के लिए आपके पास जो भी डिवाइस है। अब चलिए बात करते हैं जो डिवाइसों को अपडेट अभी तक देखने को मिला है। यहाँ पे देख रहे होंगे रियलमी Y2.0 अक्टूबर डिवाइस लिस्ट में आपको दिखा देता। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ यदि आपके पास एक सीरीज का डिवाइस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे पास जो डिवाइस लिस्ट आया है इसमें आप देख रहे होंगे सबसे पहले यदि आपके पास रियलमी X7 मैक्स 5G की डिवाइस है तो इसको न्यू वर्जन का अपडेट अक्टूबर मंथ का रोल आउट कर दिया गया है। इसके बाद यदि आपके पास रियलमी X2 प्रो की डिवाइस है तो उसको भी अक्टूबर मंथ का ऑफिशियली न्यू वर्जन का अपडेट रोल आउट कर दिया गया है इस मंथ का। यदि आपके पास रियलमी X3 सुपर जूम का डिवाइस है तो उसको भी इस मंथ का अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज में यदि आपके पास जैसे कि रियलमी 8 5G की डिवाइस है, रियलमी 6 प्रो और रियलमी 7 की डिवाइस है, तीन डिवाइसों के लिए रियलमी का अपडेट अक्टूबर मंथ का न्यू वर्जन का ऑफिशियली रोल आउट कर दिया गया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और रियलमी 7 में इसमें जो न्यू वर्जन का अपडेट देखने को मिला इस मंथ में C.12 का देखने को मिला है, आप चेकआउट जाके कर सकते हैं। इसके बाद बात की जाए अदर डिवाइसों की, यदि आपके पास रियलमी GT सीरीज की डिवाइस है तो इस सीरीज में ग्लोबली आप जैसा कि जान रहे होंगे चाइना में आपको रियलमी UI 3.0 और एंड्राइड 12 का अपडेट रोल आउट हो चुका है बीटा वर्जन का, यानी बीटा टेस्टिंग का। यदि आपके पास रियलमी GT मास्टर और रियलमी GT 5G की डिवाइस है तो आपको भी सबसे पहले इंडिया में रियलमी UI 3.0 और एंड्राइड 12 का अपडेट देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। इसके बाद बात की जाए सी सीरीज में, तो यदि आपके पास रियलमी C2, रियलमी C21 और रियलमी C25 की डिवाइस है, तीन डिवाइसों के लिए भी अक्टूबर मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच का अपडेट रोल आउट कर दिया गया है, लेकिन नॉर्मल ही अपडेट देखने को मिला है, ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आपको रियलमी का जो सिस्टम एप्लीकेशन आते हैं उसे आप कैसे अपडेट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे रियलमी के डिवाइस में सेटिंग के अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है जिससे आप अपने सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकें, तो उसके लिए मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहीं पर सभी सिस्टम एप्लीकेशन का न्यू वर्जन का अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है और उसमें रियलमी UI 3.0 एंड्राइड 12 के जितने भी न्यू एप्लीकेशन का वर्जन देखने को इंडिया के अंदर मिला है उन सभी का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं।